वकीलों ने तहसील कार्यालय में खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप रजिस्ट्रार और लेखपाल पर लगाया। वकीलों ने कहा, ये लोग बिना रिश्वत लिए कोई भी काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से ही भगवानपुर तहसील सबसे भ्रष्ट तहसील बन गई है। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो तहसील में तालाबंदी की जाएगी। वकीलों ने कहा कि भगवानपुर तहसील कार्यालय में सरेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रजिस्ट्रार बिना रिश्वत लिए फाइल को आगे नहीं बढ़ाते हैं और जो रिश्वत नहीं देता है उसकी फाइल को या तो गायब कर दिया जाता है या फिर उसे रिकॉर्ड रूम में जमा करने के लिए भेज दिया जाता है। वकीलों ने लेखापाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि लेखापाल मृतकों के आश्रितों से विरासत का नाम दर्ज करने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत लेते हैं। वकीलों ने कहा कि भगवानपुर तहसील उत्तराखंड की सबसे भ्रष्ट तहसीलों में से एक है। सभी उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रकरण को लेकर तहसीलदार से जब बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कही। देखिए पत्रकार साहब, आप सब इस क्षेत्र के ही मौजूद व्यक्ति हैं और तहसील भगवानपुर में आज जो नंगा नाच भ्रष्टाचार को लेकर हो रहा है उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। आप सबको जानकारी है कि कितना भ्रष्टाचार आज तहसील भगवानपुर में है। अगर मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड की सबसे भ्रष्ट तहसील यदि कोई है तो भगवानपुर है। अपनी नियत तिथि से 1.5 या 2 महीने पीछे हैं। जो आज होनी थी फाइल वो आज से 2 महीने बाद होंगी, वो भी बहुत कुछ झेलने के बाद। आरोप हमारे विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा हमारे कार्यालय पर लगाए गए हैं। जो उन्होंने आपको प्रार्थना पत्र दिया, जिन लोगों के नाम दिए हैं, उस पर हम भी अपने स्तर से जांच करेंगे और यदि कहीं कोई चूक हो रही है हमारे स्तर से तो हम उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। और जो भ्रष्टाचार की बात है, यदि कोई भ्रष्टाचार करके पैसे मांगता है, जगह जगह लगा हुआ है, पोस्टर बैलेट पेपर चिपकाए गए हैं कार्यालय में पूरे, यदि कोई रिश्वत की मांग करता है तो 1064 पर आप कॉल करें। क्या हमसे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही और ऐसा अगर है तो मैं जाँच करूँगा, जाँच करेंगे उसको कार्रवाई देंगे, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।